बाइक दिखने में कैसी है, बाइक पूरी तरह से ऑलमोस्ट चेंज कर दी गई लुक्स में। सो आज की डेट है 26 अप्रैल 2021 मंडे और ये टाइम देख लो 2:38। सो आज लॉन्च हुई है सुजुकी हायाबुसा 2021 BS6 इंडिया के अंदर। एंड सुबह से वेट कर रहा था मैं भाई सुजुकी की वेबसाइट एंड ऑल एवरीवेयर आई वाज फाइंडिंग कब लॉन्च हो रही है, क्योंकि प्राइसिंग सबसे मैटर करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किस प्राइस बैंड में इंडिया में लॉन्च करी है। तो भाई प्राइसिंग वगैरह आ चुकी है। सो कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सब भाई लोगों की दिलों की धड़कन हमारी प्यारी बूसा बूसा बूसा, तो वो घड़ी आ गई है एंड क्या बोलूँ यार। सो बहुत दिनों से भाई लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ये बाइक फरवरी 2021 में ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो गई थी। मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था, शायद अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसी दिखने में एंड ऑल। सो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। पर सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल वाला बटन है, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी स्टोरी मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाल चुका हूँ और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा है। अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट्स शेयर करता हूँ। सो ये जो हमारी प्यारी दुलारी हायाबुसा, जिसको हम बूसा बोलते हैं, एंड ये 1999 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी। तो 2003 में जॉन अब्राहम ने धूम मूवी में ये वाली फर्स्ट जनरेशन बूसा चलाई थी और उसके बाद तो भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर बूसा के दीवाने बन गए हैं। एंड सीरियसली भाई आइकॉनिक बाइक है। और फर्स्ट जनरेशन 2007 में बंद हो गई थी, उसके बाद सेकंड जनरेशन बूसा मार्केट में आई और वो 2019 तक रही है। उसके बाद 2020 में बंद हो गई एंड बहुत सारे चेंजेस वैसे ही थे, कॉस्मेटिक चेंजेस आते गए। बट 2013 के अंदर इसके अंदर ब्रेम्बो ब्रेक्स ABS वगैरह आया, बट इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं था। मगर जो ये 2021 हायाबुसा BS6 है भाई, ये पूरी फुली लोडेड बाइक है, फुली लोडेड बाइक विद एवरी इलेक्ट्रॉनिक, यू नेम इट, इट हैज़ इट। एंड पूरी डिटेल्स बताता हूँ और साथ में छोटे छोटे आपको क्लिप्स दिखते रहेंगे, क्या क्या है, कैसे है एंड ऑल, थोड़ा सा उसका भी इंजॉय करना। थोड़ी सी हल्की सी झलकियाँ देख लीजिए बाइक की, बाइक दिखने में कैसी है। बाइक पूरी तरह से ऑलमोस्ट चेंज कर दी गई लुक्स में, कॉस्मेटिकली आगे से हेडलाइट, स्पीडोमीटर, पीछे से टेल लाइट, उसका काउल, एग्जॉस्ट, सब कुछ जिसको बोलो ना कि भाई चेंज हो चुका है, ग्राफिक्स तक चेंज हो चुके हैं, एवरीथिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी आप झलकियां देखते रहोगे। एंड तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन से। सो बाइक में लगा है सेम 1340cc का इनलाइन 4 सिलेंडर का डॉक इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 190 BHP की आउटपुट एट 150 Nm टॉर्क। जो पहले वाला इंजन था वो 197 निकालता था, जो ये BS6 वाला इंजन है ये 7 BHP की इसमें आउटपुट जो है वो कम हुई है। बाइक के अंदर 6 गियर हैं, जो इसकी टैंक कैपेसिटी है वो 20 लीटर्स की है। बाइक में डुअल डिस्क इन द फ्रंट एंड 1 डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS है, ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं। बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं। फ्रंट जो टायर साइज है दैट इज 120/70/17, पिछला जो टायर साइज है दैट इज 190/50/70। अगर मैं बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो दैट इज 800 mm और ग्राउंड क्लियरेंस जो है दैट इज 125 mm। और अगर इसका जो वेट की बात करूं बाइक के दैट इज 264 kgs, इट्स द सेम ऑलमोस्ट जो पहले होता था BS4 वाली बाइक में। अब आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस वाले मॉडल में थर्ड जनरेशन 2021 हायाबुसा में डाल दिए गए हैं, जो सेकंड जनरेशन में बिल्कुल नहीं थे। तो सबसे पहले क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर, मींस क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन, ये डाल दिया गया है सबसे पहले, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। देन लॉन्च कंट्रोल इस बाइक के अंदर है, पावर मोड इस बाइक के अंदर है, ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक के अंदर है, मतलब 10 लेवल तक ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक के अंदर है। इस बाइक के अंदर एक अप होल्ड सिस्टम डाला गया है, मतलब अगर आप अपहिल हो तो ब्रेक लगा दो एंड ऑल, वो उससे भी बाइक पीछे को नहीं जाती, कुछ सिस्टम ऐसा डाला है। उसके बारे में भी डिटेल में जो मेरे पास ज़्यादा आएगी तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बाइक में इंजन ब्रेक कंट्रोल दिया गया है। मैं तो ये बोलता हूं कि बाइक इस बाइक में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिया गया। सबसे अच्छी चीज़ जो थी लोगों को पसंद आता इसका स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो है आपका जो एनालॉग और डिजिटल बोथ है, TFT छोटी सी दी गई है, अब वीडियो क्लिप्स में आपको दिख जाएगा। एंड बहुत अच्छा मेरे को वो लगा।
और जो इसकी हेडलाइट्स हैं पहले नॉर्मल होती थी, अब एलईडी हेडलाइट है, बैक लाइट, टेल लाइट जो है, एलईडी इंडिकेटर्स दे दिए गए, सब कुछ, और लुक्स भी चेंज करी गई हैं बाइक के अंदर। एक काम करिए सबसे पहले तो अब इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनिए कि ये एग्जॉस्ट स्टॉक कैसे आवाज़ करता है, और साथ में एक बाद में एक जो चेंज हुआ हुआ एग्जॉस्ट है योशिमोरा का, उसकी भी हल्की सी आवाज़ देख लेना, सुन लेना कैसी लग रही है। एंड फिर कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बता देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कैसी रही एग्जॉस्ट की आवाज़, एंड है ना लाजवाब। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आप पूछ रहे होंगे कि जेडी भाई इसकी प्राइसिंग रोकड़ क्या प्राइस पे लॉन्च हुई है, तो प्यारे भाइयों जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है दैट इज़ 16,40,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस, एंड जो ये पहले वाली बाइक थी उसे ऑलमोस्ट 3 लाख 3 लाख एक्सपेंसिव है, एंड वो तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि BS6 नॉर्म्स एंड बाइक में सब कुछ दे दिया गया है, उसके कारण प्राइसिंग की इंक्रीज़ हुई है। बट जिस तरीके की इसके अंदर सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं, आई थिंक द प्राइसिंग इज एक्सेप्टेबल। सो इसकी एक ऑन रोड प्राइसिंग जो होगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 18,50,000 अप्रॉक्सीमेटली के करीब पड़ेगी, बाकी आप शोरूम से कंफर्म कर लीजिए। जिन भाई लोगों ने पहले बुक कराई हुई है मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी उनको डिलीवरी ज़रूर देगी, बाकी मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को जो लगता है कि जुलाई के बाद शायद इसकी डिलीवरीज कंपनी शुरू करें इंडिया के अंदर। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये छोटा सा व्लॉग जो है सुजुकी हायाबूसा 2021 BS6 इंडिया में जो आज लॉन्च हुई है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जस्ट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू, एंड अगर अच्छा लगा है तो गिव्स अ थम्स अप, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा है, एंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए नीचे लाल वाला बटन दबा के, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे आईडी आ रही है, ये वीडियो आज ही लाइव हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, एंड अभी बस एडिट करके साथ ही लाइव हो जाएगा वीडियो, एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी छोटे क्लिप्स वगैरह एंड ऑल, आपको कैसा लगा है, लुक्स बाइक की अच्छा लगा है तो दोबारा बोल रहा हूँ लाइक कर देना। सो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों ऐसे किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।